हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, गुरमीत सुनाइया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जीओ, जगत गुरु बाबा सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे बख्शे गुरमत सिद्धांतक विचारां नूं जिन्हां वड्डे भागां वाले गुरसिखां गुरमुखां रब दे प्यारिआं ने शरधालुआं ने अपने जीवन विच ग्रहण कीता, सतगुरां दे गुरमत विचारां नूं अपने हिरदे च वसाया, उन्हां विच अनेक महापुरखां दा नाम आपां अक्सर इतिहास विच वाचदे हां, विचारदे हां, पढ़दे हां। श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे मौके ऐसे प्रेमी गुरसिख होए ने भाई त्रिलोका जी, गजनी दे इलाके विच रहण वाले सन। इह वी संगत नाल सतगुरां दे दर्शन दीदार कर लई, गुरदेव जी दीआं सीसां प्राप्त कर लई, अपने जीवन जीउण दी जा सिखण वास्ते सतगुरां दे चरणां च बेनती कीती। पातशाह मेरी बेनती है, इस संसार दे अंदर जिन्ने सारे प्राणी परमात्मा दी रचना, अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी साजी निवाजी सृष्टि अनुसार, वह भावें अंड जाए जेर जाए सेहत जाए तुप जाए, आप जी मेरे ते भी कृपा करो, मेरी प्रभु प्राप्ति दी इच्छा है। गुरदेव ने सुभाव की कहना सी, भाई त्रिलोका जी ये सच है कि सारे विच वाहिगुरु जी का वस है, सब ते भरोसा रखो, कदे भी किसी ते निर्दयता नहीं करनी, विशन दया वाला जीवन जीना, कदे भी जुल्म नहीं टाउणा, किसी ते मौका बने किसी का बुरा नहीं करना। महाराज ने किन्नियां वधिया सिख्यावां वाले च वचन कह के भाई त्रिलोका जी नूं नवाज दिता। इवें ही कुदरत दा बनाया होया निजम है, जदों किसी दे जीवन विच बहुत वड्डी तब्दीली आउणी है तां कोई ना कोई गाहे वगाहे संजोग बणदे ही रहिंदा। सरकारी नौकर फौज विच भर्ती होण ते जिहड़ा शस्त्रधारी सूरवीर है, वह शस्त्र दे चलाउण नाल सुभाविक ही किते ना किते उहदे कोलों किसे दी हत्या हो जाणी आम गल है। इहदे मन विच इक दिन ऐसा प्रभाव पिया, साथियों समेत शिकार खेडण गए दे हत्थों तलवार दे वार करन ते पेट विच पल रहे बच्चियां समेत हिरनी दा वध हो गया, हिरनी दी तलवार नाल हत्या हो गई, उहदी मौत होई ते दो दे बच्चियां दी भी मौत हो गई। इन्ना क गहरा ते डूंघा असर प्रभाव पिया भाई त्रिलोके ते, मन विच विराग आया, पछतावा करदा, बड़ा दुखी हुंदा मन करके भी ये की हो गया मेरे को, जे हथियार ना हुंदा तां शायद मैं इस हिरनी की हत्या ना करता, मेरे को एडा वड्डा पाप ना हुंदा। ख्याल करके लक्कड़ दी तलवार म्यान विच फिट करवा ली। समा सबब ऐसा बनिया कि उच्च अधिकारियों ने शस्त्रां दी निरख परख करन दा समा निर्धारित करता। जदों कतार विच वेखे खलोता, मेरे कोल तां फौलादी तलवार है नहीं, लक्कड़ दी तलवार मैं म्यान विच पवाई हुई है, तां अज मैनू नौकरी तो बर्खास्त तां इन्हां ने कर ही देना, पर निजमानुसार मैनू सख्त तो सख्त दंड भी देणगे। इस गल्लों डरदे मारे ने सोचिया भी हुण किसे ते भरोसा रखण दी लोड़ नहीं। सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दा ध्यान धर के अरदास बेनती करन लग पए, सतगुरु आप अंतरजामी हो, जाणी जाणो, मेरे ते कृपा करो, मैनू बचाओ, मैं किवें भी अज की इस प्रीख्या में सफल होवां, आप जी के दर कर दी उपम वड्याई हुंदी रहे, नहीं मैनू निम्मो झोणा नहीं होना पैना, सगों आप जी के दर कर दा नाम भी हो सकता भी शायद कहने भी गुरु अर्जन देव दे सिख दी ये हालत गुरदेव दी हजूरी विच अरदास कबूल हुई। श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी अमृतसर उस वेले विराजमान, अपने सेवक नूं कहिंदे प्रेमिया तलवार लैके आ, वो सिख झट दे के तलवार लैके आया। महाराज जी ने म्यान चो तलवार बाहर कढ़ी,
ਉਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਾਈ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕਦੀ ਦਮਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਇੰਨੀ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਕੀਆ